A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Hello viewers, we are to talk about self concept. Iske bare mein hum ye ek tasavvur develop karna chahte hain ki iski nature kya hai aur samajhne ke baad hum isko kaise behtar bana sakte hain. Wo kaun se aise zaraye hain, ways hain, sources हैं जिसकी मदद से हम अपने self concept को बच्चों के self concept को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं. इसमें सबसे अहम बात यह है कि through interaction with other people, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो उसे अपने इजहार का मौका मिलता है. वो जो लैंग्वेज इख्तियार कर रहा है, वो जो बातें कर रहा है, वो बाकी लोग सुन रहे हैं और उसके बारे में रिफ्लेक्ट. अगर तो वो पॉजिटिव हैं और वो ठीक रिफ्लेक्ट करते हैं तो दे गॉट एनकरेज. और इसी तरह जब वो मुख्तलिफ जगह देखता है, उसका अपना माइंड ब्रॉड होता है और वो उसके बारे में अपनी पॉजिटिव सेंसेस डेवलप करता है और उससे अल्टीमेटली उसका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेलप. इसमें फैमिली मेम्बर्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं. When the individual is talking about with the family, तो family members उसको encourage कर रहे हैं या उसकी असल सलाहियतों की तरफ उसकी तवज्जो दिला रहे हैं. लेकिन आम तौर पर होता यह है कि हम बच्चों को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं. तो तनकीद से यह है कि उनकी असल सलाहियतें जो है ना वो छुप कर रह जाती हैं और वो अपनी जो बेहतरीन सलाहियतें उनका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से नहीं करते. तो उसके लिए बेहतर यह है कि हम बच्चों को जो है ना उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन है तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर रखें. और फिर यह है कि उनको एडवाइस करें कि दे आर टू सी द रियलिटीज़, द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ देयर सेल्फ आइडेंटिटी और जो रियल कंट्रीब्यूशन है उसकी एबिलिटीज़ की, उसका इजहार और उसका रिफ्लेक्शन उसे मिलना चाहिए. इसमें ये भी है कि वो मुख्तलिफ तरह से दोस्तों के साथ जब इजहार करता है तो उसमें दे आर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ थ्रू डिफरेंट स्टोरीज. और स्टोरी सुनना, स्टोरी बयान करना, उसमें यह है कि वर्ड एक्सप्रेशन और फिर यह है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ये शामिल हो जाती है. एंड दे गॉट इम्प्रूव देयर एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल. और उसमें जो रियल रिफ्लेक्शन है, देयर इंटरेस्ट आर आल्सो बी शोन एंड दे आर आल्सो इम्प्रूविंग देयर एबिलिटीज एंड पोटेंशियल. इसमें नाउअडेज मीडिया इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल के मीडिया को जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो कौन सी चीज़ें देख और उससे उसके इंटरेस्ट का अंदाज़ा होता है और उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है. वो दूसरों दोस्तों को उसके बारे में बताता है तो उसका मतलब यह है कि उसका अपना इंटरेस्ट उसमें शामिल है और वो किस तरह से उसमें इंडल्ज है और कौन सी वो लैंग्वेज वहाँ से सीख रहा है, कौन से एक्शन उसको पसंद हैं और किस तरह से वो उन एक्शंस को अपने अंदर महसूस करता है और वो दैट इज़ कंपेटेबल विद दैट पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ द मीडिया. इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हम उसको थ्रू इंटरेक्शन अगर चेंज करना चाहें तो हम उसको यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन की तरफ ले आते हैं. और जब वो इजहार करता है तो हम उसमें उसकी मदद कर रहे होते हैं कि इसको अगर इस तरह से बोला जाए. मसलन बाद अवकात हम नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल, इट्स नॉट टू बैड, नॉट इट्स गुड, बल्कि इसको यूँ कहा जा सकता है कि इट्स इट्स गुड, यानी बैड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल ना किया जाए, अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया जाए. और फिर यह है कि उसको इस तरह से इजहार के लिए हम तैयार करें कि वो मुख्तलिफ तरह से यानी पॉजिटिवली अपने आप को देखे और चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में ही उसको मॉनिटर करें. इसमें यह है कि मुख्तलिफ तरह से लीडरशिप के रोल में हम उसको ले जा सकते हैं कि हाउ ही इज़ आर शी इज़ टू play their role while executing their abilities. जब उन्हें अपनी abilities का यकीन होना शुरू हो जाता है, जब वो execute करते हैं और जब उन्हें कामयाबी मिलती है तो उस कामयाबी के नतीजे में
they feel themselves a good leader. Aur usme phir ye hai ki the creativity factor is also there. Aur unhe apne saath jo waqiat pesh aa rahe hain, jo kamyabi use hasil hoti ja rahi hai, wo apne aap ko rationalize karta hai. Yes, my abilities are executed and I got satisfied and other people are also satisfied. Aur uski wajah se he is a good leader. और इसमें इस तरह से भी है कि वो मुख्तलिफ तरह से लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करता है, वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर टू इंटरेक्ट, तो उसमें वैरायटी में उसे मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलने का जब मौका मिलता है, तो उसे अपनी सलाहियतों का और अंदाज़ा हो जाता है. कहते हैं हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन एंड हाउ ही इज़ आर शी इज़ टू अडॉप्ट अ वे, क्योंकि वो अपने आप को किस तरह से उनकी ज़रूरत के मुताबिक ढाल. वो जो एक डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर है जो जिससे उसका वास्ता पड़ेगा, उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करता है, तो इट मींस उसका अपना सेल्फ कंसेप्ट उसे क्लियर है. थैंक यू वेरी मच.